अद्र नक्षत्र आ रहा है, 100 महाशिवरात्रि के बराबर एक आद्र नक्षत्र है। कोई मनुष्य 100 महाशिवरात्रि की शिव पूजा करे, जो फल मिले वो फल सिर्फ आद्र नक्षत्र में भगवान शिव के दर्शन करने से मिलती। और भगवान शंकर जी जो पूजा से फल देते वही आद्र नक्षत्र रहेगा। और इस दिन दीप प्रज्वलित करने की महिमा है, दीप माला प्रज्वलित करने की महिमा है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। प्रथम ज्योति, प्रथम एक दीप प्रकट हुआ था, इस दीप में से लिंग प्रकट हुआ, इसलिए हम लिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योति में से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है इसलिए ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। शिवलिंग के आगे ज्योति शब्द क्यों लग रहा है? क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष भगवान शिव जी प्रथम ज्योति रूप में प्रकट हुए थे, दीपक रूप में प्रकट हुए थे, और दीपक धीरे धीरे शांत हुआ। इनमें से एक सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ, वहां से इसको ज्योतिर्लिंग की उपमा दी गई। जय महाकाल साथियों, आज है 27 दिसंबर और आज है आद्रा नक्षत्र शिवरात्रि, जो है 100 महाशिवरात्रि के बराबर पुण्य देने वाली। 100 महाशिवरात्रि में जो पूजा पाठ का पुण्य मिलता है वह आज शिवरात्रि कर लेने मात्र से मिल जाता है। इसलिए अपने घर के मंदिर में या शिवालय में 5 घी के दीपक जरूर प्रज्वलित करें, कम से कम 5, अत्यधिक आप कितने भी कर सकते हैं।